बीजेपी को आज बहुत बड़ा झटका लगा है। उपचुनाव की तस्वीरें साफ हो गई हैं। जी हां, 13 विधानसभा सीटों की धुंधली पड़ी तस्वीरें आज साफ हो गई। इंडिया गठबंधन के धमाकेदार प्रदर्शन से बीजेपी को बड़ा सदमा लगा है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव परिणाम कई मायने में खासते इन सीटों पर कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई थी और बीजेपी के लिए ये उपचुनाव किसी परीक्षा से कम नहीं थे। लेकिन आज जिस तरह के नतीजे आए इसने बीजेपी को हिलाकर रख दिया है। लगता है आज 13 का नंबर, आज 13 बीजेपी के लिए शुभ साबित होता नहीं नजर आया। 13 तारीख है और 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की सीटों के परिणाम की घोषणा हुई, लेकिन आज का दिन बीजेपी के लिए बेहद ही खराब, निराशाजनक साबित हुआ, क्योंकि बीजेपी के लिए इन उपचुनाव का रिजल्ट बेहद ही निराशाजनक था और खास नहीं रहा। 7 का उपचुनाव और उसका रिजल्ट सामने आ गया है, यानी कि 7 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में 13 विधानसभा सीटों के लिए 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। इन 13 सीटों के चुनाव परिणाम आज घोषित किए गए, जिसमें बड़ा नुकसान बीजेपी को एक तरफ से कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की झोली पूरी भर चुकी है। इंडिया गठबंधन को मिली है जनता की ताली और बीजेपी की झोली हो गई है खाली, क्योंकि बीजेपी को इस बार के उपचुनाव में बड़ा झटका मिला है, करारी शिकस्त मिली है। लोकसभा चुनाव के बाद पहला लिटमस टेस्ट था, आप ये भी कह सकते हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन की बड़ी हार हुई है। उपचुनाव के नतीजों से बड़ी बीजेपी की चिंता। जी हाँ, उपचुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं, जो परिणाम सामने आए हैं, उससे बीजेपी की चिंता भी बढ़ गई है। इन नतीजों से बीजेपी की चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि पहले लोकसभा में अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई और विधानसभा में मिली हार से पार्टी को बड़ा धक्का लगा है। बीजेपी का दल बदलू फॉर्मूला भी इस चुनाव में, इस उपचुनाव में काम नहीं आया, क्योंकि बीजेपी ने दल बदलू एक फॉर्मूला अपनाया था, क्योंकि 13 सीटों में से ज्यादातर बीजेपी ने उन उम्मीदवारों को टिकट दिया था जिन्होंने किसी दल का साथ छोड़कर दूसरे दल में जाने को चुना। हालांकि चुनावी नतीजे उनके पक्ष में फिर भी नहीं रहे। हिमाचल प्रदेश से लेकर पंजाब तक दल बदलने वाले नेताओं को उपचुनाव में कामयाबी नहीं मिल पाई है। जहां जहां भी इंडिया गठबंधन भी, चाहे तमिलनाडु में डीएमके का शासन है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी का शासन है, इन दो राज्यों में बीजेपी ने बहुत कोशिश की, बहुत तरीके से बीजेपी ये कोशिश कर रही थी कि वो किसी भी तरह से राज्य सरकार को नाकारा साबित करे। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश में भी बीजेपी की कोशिश थी कि वो किसी ना किसी तरह से, लगातार वो ये कोशिशों में लगी हुई थी कि वो किसी तरह से सत्ता पर आए या किसी तरह से सेंधमारी कर सके राज्य में। राज्यसभा चुनाव के वक्त भी यही हालात हमने देखे थे, यही इसी तरह का बीजेपी वहां पर भी खेल कर रही थी। उसके बाद बीजेपी को ये लग रहा था कि हिमाचल प्रदेश उसकी झोली में वैसे ही आ जाएगा जिस तरीके से आ चुका है महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश यहाँ पर, लेकिन एक उल्टा ही खेल होते हुए आज दिखाई दिया। आज जो उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं उसने सबको एक नई तस्वीरें दिखा दी हैं, उसने सबके भ्रम को एक तरफा तोड़ दिया है। जो लोग ये भ्रम सोच रहे थे कि नतीजे उनके पक्ष में आएंगे, उनके भ्रम को तोड़ दिया है। उपचुनाव के जो नतीजे आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस में सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर ने जीत की है। मैंने कहा ना, कई लोगों की साख दांव पर थी, उसमें कमलेश ठाकुर की भी जीत साख पर थी, क्योंकि ये कांग्रेस की एक बड़ी जीत है, क्योंकि इस देहरा सीट पर यहां पर बीजेपी ही जीतती चली आ रही थी, लेकिन बीजेपी को हैट्रिक लगाने का मौका नहीं मिला। और एक तरफ से कह सकते हैं कि 14 सालों का सूखा कांग्रेस का यहां खत्म हुआ। कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में बड़ी जीत मिली है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने 4 की 4 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है और बीजेपी को सदमा दे दिया है। एक भी सीट बीजेपी के लिए टीएमसी ने छोड़ी नहीं, ना जनता ने एक भी सीट बीजेपी को देना गवारा समझा, सही समझा। यहां तो बीजेपी एक भी सीट अपने पाले में नहीं ला पाई, लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका बद्रीनाथ सीट को गंवाना है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने उत्तराखंड की
बद्रीनाथ सीट पर जीत दर्ज की वो हैरान करने वाली है, क्योंकि अयोध्या बीजेपी पहले ही हार चुकी है। ये आपने लोकसभा के नतीजों में देखा कि कैसे अयोध्या बीजेपी के हाथों से फिसली। अब बद्रीनाथ पर बीजेपी का हारना ये एक बड़ा झटका है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी को ये लग रहा था कि हिंदुत्व का खेल उसका यहां पर चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और कांग्रेस जहां जहां सत्ता में नहीं है, मतलब उत्तराखंड में सत्ता में ना होने के बावजूद भी उपचुनाव जीते हैं। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने मिलकर यूपी में भी बीजेपी का खेल खराब किया था, अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ गई है। वहीं तमिलनाडु में भी विक्रवंदी ने अपना दबदबा कायम रखा है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने अपना दबदबा कायम रखा, और इधर बिहार में एक बड़ा खेल देखने को मिला जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी जीत कर उभर कर सामने आए। ये बड़ा खेल हो गया लोकसभा चुनाव के बाद, पहले उपचुनाव थे और ये पीएम मोदी के लिए अग्नि परीक्षा थी कि ठीक है, लोकसभा में आप कुछ खास नहीं कर पाए, फिर भी आप सत्ता में आ गए, कुर्सी आपने आपके हो गई, और ये आप बार बार बता रहे थे कि देखिए जनता का विश्वास हम पर बना हुआ है। तीन राज्यों की आप यात्रा पर गए हो या फिर आप सदन में खड़े होकर आपने अपनी मोदी जी ने अपनी जीत को रेखांकित करना नहीं भूला। मोदी जी ने बार बार इस बात को साबित करने की कोशिश की कि जनता ने उन्हीं पर भरोसा जताया है, लेकिन इन चुनाव के नतीजे कुछ और ही बयां कर रहे हैं। मोदी जी ये आपको समझना होगा, क्या इन उपचुनाव के नतीजों को देखकर भी अब भी मोदी जी ये कह सकते हैं कि जनता का भरोसा अब भी बीजेपी पर रह गया है, क्योंकि नतीजे तो ये बता रहे हैं कि बीजेपी को यहाँ पर बड़ा नुकसान हुआ है। 13 में से मात्र 2 सीटें, अगर केवल 2 सीटें हमीरपुर और मध्य प्रदेश केवल झोली में आए, तो क्या अब ये माना जाए कि जनता ने मोदी पर बीजेपी पर अपना भरोसा खो दिया है। नरेंद्र मोदी की कही बातें चाहे वो विदेश में हो, संसद में हो, इन नतीजों के बाद मिथ्या साबित हुई, और ये नतीजे जनता के संदेश को बीजेपी के लिए साफ कर रहे हैं कि जनता का झुकाव अब किस ओर जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को अब इन नतीजों के बाद आत्मचिंतन आत्म मंथन करने की जरूरत है, और इसके बाद इसके साथ ही एक बड़ा ही अहम सवाल उनके सामने ये भी है कि क्या अब मोदी जी का जो पोस्टर मैन मोदी जी बनकर, या उन्हें सुपरमैन की तरह जो हमेशा से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी पेश करती रही है, बीजेपी की जो कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन अब ये दिख गया कि मोदी है तो ये जीत नामुमकिन हो गई। यानी इस बार मोदी मैजिक नहीं चल पाया, खासकर उन राज्यों में जहां पर बीजेपी ने तोड़फोड़ की, खूब जद्दोजहद की। यानी ये भी कहा जाए क्या कि बीजेपी की जोड़ तोड़ की राजनीति, बीजेपी की जोड़ तोड़ को भी अब जनता नहीं सहरा रही है, क्योंकि ये उपचुनाव विधायक जिनकी मृत्यु हो गई उनके कारण सीट खाली हुई, या जिन विधायकों ने अपना पाला बदला, जैसे अमरवाड़ा की सीट या पंजाब की सीट, इन राज्यों में हमने देखा कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जो सीटें खाली थी वहां पर हुई, यानी बीजेपी की जोड़ तोड़ की राजनीति को यहां पर जनता ने तगड़ा जवाब दिया। यानी कि ये किस वजह से उपचुनाव में सीटें खाली हुई, मैंने आपको पहले बताया कि इस बार दल बदलू जो फॉर्मूला बीजेपी ने अपनाया वो भी नहीं चल पाया, जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया, क्योंकि जनता को भी ये बात पसंद नहीं आ रही कि बीजेपी बार बार दूसरे दलों में सेंध लगाती है। ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल एक और उठ रहा है कि अयोध्या यानी राम की धरती, वहां पर भी बीजेपी को हार मिली, अब बद्रीनाथ में हार मिली यानी महादेव की धरती पर, और कांग्रेस को जो जीत मिली है उससे ये लगता है कि हिंदू अब वाकई जाग गया है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई अब हिंदू जाग गया है? बार बार हिंदुओं को जगाने की बात जो बीजेपी करती चली आ रही है, ये बताया गया कि हिंदुओं को कैसा खतरा है कांग्रेस से, कैसे हिंदुत्व को कांग्रेस ने नुकसान पहुंचाया, लेकिन ये नतीजे बता रहे हैं कि अब जनता जाग गई है। ये हार आखिर है किसकी? अब बीजेपी को इस पर मंथन करने की जरूरत है कि हार बीजेपी की नीतियों की है, नरेंद्र मोदी की नीतियों की है, या इसका ठीकरा भी बीजेपी मंथन के द्वारा, ना मंथन के द्वारा, बैठक के द्वारा, या किसी की कुर्सी छीनकर उनके ऊपर इसका ठीकरा फोड़ने की कोशिश करेगी, ये भी देखना अहम होगा। भारतीय जनता पार्टी को लेकिन आत्मचिंतन करने की जरूरत है, उसके सहयोगी दलों को भी,
क्योंकि खास तौर से नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू को अब ये सोचना है कि वो कब तक बीजेपी का साथ देने के मूड में है। क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो जनमानस तैयार हो रहा है, जो जनता खड़ी हो रही है, क्या सहयोगी दल भी भारतीय जनता पार्टी का सहयोग देने के लिए तैयार है, जनता की बगावत झेलने के लिए तैयार है? तो उसके साथ ही बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू लोकसभा चुनाव के बाद संसद में जो साथ में खड़े हुए हैं, केंद्र सरकार में साथ में खड़े हुए हैं, क्या इन उपचुनाव के नतीजों के बाद भी उनका वो साथ देना जारी रहेगा और कब तक जारी रहेगा? ये एक सवाल अभी भी बना हुआ है। जिस दिन से ये सरकार बनी है उस दिन से ये कयास लग रहे हैं कि ये सरकार एनडीए की सरकार कितनी दूर तक साथ चल पाएगी, इसके लिए अभी से अनुमान लग रहे हैं, जो किसी भी सरकार के लिए अच्छी बात नहीं होती। और बीजेपी के लिए तो ये बहुत बड़ी परेशानी भरा है कि जिन्होंने खुद के दम पर पूरी सत्ता हासिल करी, उन्होंने तीसरी बार बैसाखी के बल पर या आप कह ले सहयोगी दलों के बल पर सरकार बनाई, क्योंकि किसी की सरकार बनने के साथ ही उसकी भविष्यवाणी गिरने की भविष्यवाणी होने लगे। तो इस चुनाव के नतीजे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन की जो लहर है वो चल रही है और लहर जो है वो बीजेपी के खिलाफ है। 13 सीटों में केवल 2 सीटें बीजेपी को मिली है। बीजेपी की हड़बड़ाहट ही उन्हें ले डूबी है क्या? क्योंकि लोकसभा के तुरंत बाद उपचुनाव कराने का जो डिसीजन लिया गया, जो फैसला लिया गया, वो बीजेपी पर ही उल्टा भारी पड़ गया है। इंडिया गठबंधन एक बड़ी ताकत बनकर उभर गया है, लोकसभा चुनाव में भी उभरा था और इस चुनाव ने भी साबित कर दिया है कि इंडिया गठबंधन में अभी बहुत दम है, जिसके आगे बीजेपी को अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अब बीजेपी इस उपचुनाव के नतीजों के बाद क्या मंथन करती है, इसके बाद क्या फेर बदल होता है, क्या उठा पटक मस्ती है बीजेपी में, ये देखना आया होगा। आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।